हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 335 का पार्ट 2। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। वो तेरी खैर, आप ये क्या करने जा रहे हैं? ध्वनि की गति अति तीव्र होती है। यदि मैं संगीत के स्वरों में इतनी शक्ति उत्पन्न कर दूं, तो ये सभी स्वर्ण शिलाएं अपने आप वही सोना देखो कितना की ओर अग्रसर हो जाएंगी। देख के बात बड़ी बड़ी बात की है। संगीत में इतनी पावर या शक्तियां होंगी, हर चीज को बहुत ठीक है। क्या ये संभव है? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना है दशानन। सही बात है। आज से पहले मेरे जैसा महादेव भक्त भी तो नहीं था। ओहो, वाह। मेरे महादेव के नाम में कितनी शक्ति है। आज मैं समस्त संसार को दिखा दूंगा। देखिए यार, ओम नमः शिवाय। स्वामी कहाँ है? पता नहीं माता। मैं महाराज आयु का राजपुरोहित हूं। लो,
वही हम महाराज आयु की ओर से आपकी पुत्री कुमारी अशोक सुंदरी के लिए शगुन लेके आए हैं माता। महादेव कहाँ है माता? महाराज आयु ने पत्र भेजा है जो हम आपको और महादेव को पढ़ के सुनाना चाहते हैं। महादेव कैलाश पे नहीं है किंतु आप अपना संदेश माता को बता सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती को प्रणाम। पार्वती माता से हुई बात के आधार पर हमने नहुष और अशोक सुंदरी के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी है और अपनी ओर से हम विवाह का शगुन भेज रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। प्रतीक्षा है तो केवल नहुष की विवाह के योग्य बनाए जाने की। ये है बड़ा। उसी के आधार पर तिथि तय होगी। आपकी ओर से शुभ समाचार की प्रतीक्षा में। स्वीकार कीजिए माता। महाराज आयु और महारानी को आपकी ओर से शगुन की प्रतीक्षा है। ओहो, अब हमें आज्ञा दीजिए माता। बड़ा करने की बात अप्राकृतिक नहीं, किंतु दीदी उनसे नहुष की रक्षा करने का अब यही एक उपाय शेष है। भैया अब मेरी चिंता भी दूर हो गई क्योंकि माता बड़ा करने वाली है। लो बहुत मामला। हाँ, अब कोई ना बिहार निकले। महादेव आज कैलाश पर आपकी पुत्री के विवाह का शगुन आया किंतु आप उपस्थित नहीं थे। आप कहते हैं देवी पार्वती द्वारा नहुष को बड़ा करना अब प्राकृतिक है किंतु ये कैसे हो सकता है महादेव? देवी पार्वती तो स्वयं प्रकृति है। जो प्रकृति के नियम अनुसार नहीं वो प्राकृतिक ही तो है।
पार्वती ऐसा निर्णय केवल अपने मोह के कारण अपने निजी हित के लिए ले रही है। यह उचित नहीं है नारायण, इसलिए पार्वती के इस निर्णय में मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। परंतु महादेव, आयु और उनकी पत्नी ये मान बैठे हैं कि देवी पार्वती नहुष को बड़ा कर देंगी, इसका समाधान क्या है? लो जी, वही बातें फिर घूम कर वहीं आ गई हैं। लेकिन यह कि दूसरी तरफ एक जो दशानन वाला सीन है ना, वो बहुत यार प्यारा बना है। इतना प्यारा सुर एक उन्होंने बनाया है ना कि हर चीज़ ऐसे उड़ने लग गई है, क्योंकि एक जोश उसमें ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ना पता ही नहीं चलता। क्योंकि पहले जब हमने देखा था कि सती जी के सामने जब महादेव जी ने ये बजाया था तो एक बार हर चीज़ ऐसे झूम उठी थी, लेकिन एक बड़ा मामला एक सामने आ गया, तो देखते हैं अब ये किस साइड बात लगती है। आप ये एक हमने एक ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी जो अभी एक अभी के थ्रू चल रही हैं। अब देखो ना, एक पार्वती जी की ऐसी चीज़ें करना ये एक समय नहीं लगती। कल कोई मतलब के एक प्रार्थना करेगा महादेव जी से कि आप हमारे पुत्र को बड़ा कर दें, तो वो काफ़ी एक मुश्किल सीन बन जाएगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ ये हाल है। अगर बात करें संगीन की तो भाई वो तो एक था ही था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। दशानंद ने कहा था कि ये मैं पॉसिबल करूंगा कि महादेव जी के नाम में कितनी पावर है। हाँ। वो आपको नजर आ जाएगी कि हर चीज खुद ब खुद वहां पे कैलाश पे चली जाएगी, किसी चीज की अब जो है ना वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो उन्होंने बेकार दिखाया, एक संगीत के जरिए जो है ना उन्होंने हर चीज को भाई हिला दिया। बाकी दूसरी तरफ भाई विष्णु जी आप आए तो हैं, शगन भी भाई आए हैं, शगन भी आए हैं, वो तो आ ही आए हैं। लेकिन ये कि वो एक परेशानी बन गई है पार्वती जी के लिए, क्योंकि आगे वाला मामला आज तक अभी तक हल नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी चाहते हैं, हालांकि महादेव जी ने गारंटी भी दी, लेकिन फिर भी कोई मान ही नहीं रहा यार। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।